नमस्कार, मैं एमके मिश्रा नमो में आपका स्वागत करता हूं। आज यह वीडियो राहुल गांधी को हक्का बक्का कर देगी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वह चकनाचूर कर देगी, क्योंकि जो यह वीडियो है यह पूरी जो उनके जो पोल है उसको खोल देगा कि आखिर राहुल गांधी किस तरह के षड्यंत्र के साथ 2019 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन चमचों से भी खास अनुरोध है कि चमचे जो कमेंट बॉक्स में आ करके अपनी राय को जाहिर करते हैं, अपनी घटिया राय को जाहिर करते हैं और वह कमेंट बॉक्स में गालियां तक दिए जाते हैं, उनसे खास अनुरोध है वह भी वीडियो देखें। क्योंकि आपको अब राहुल गांधी को समझाना है कि अब आपको प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप कहीं जा करके किसी ऑफिस में अगर प्यून हो सकता है वहाँ के लिए अप्लाई करें, देखिए आपको प्यून की नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपसे अनुरोध करूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यह वीडियो देश के हर एक फोन में होना चाहिए। और जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेसी चमचों द्वारा, कुछ खासकर सूतियों द्वारा, उन सूतियों से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा संभल जाएं। चलिए इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी खबरें आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं, आखिर यह पूरा माजरा क्या है। बीजेपी एक चुनाव में हारे तो लहर खत्म और 25 में जीते तो ईवीएम हैक, पेट्रोल का दाम बढ़े तो मोदी फेल, पेट्रोल का दाम घटे तो चुनाव स्टंट। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि आप पैदा ही दोगले हुए थे या कोई कोर्स किया आप लोगों ने। ये चमचों के लिए है और राहुल गांधी के लिए है। जितना लोग मोदी से चिढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा सा कम ही लेख लिखा है। अगर इसे पढ़ लिया हो तो सोचने में भी बस हो जाएंगे। सोशल मीडिया से मैसेज है, लेकिन सच्चाई है कि अगर दोगले आप पैदा ही हुए थे या आप कोई कोर्स किया था आपने। चमचों के लिए खास है ये, चमचों के लिए जनहित में जारी है वीडियो। अगर चमचों का अनुरोध है पूरी वीडियो देखें, अदरवाइज आपसे एक खास चीज छूट जाएगी। एक सज्जन कहने लगे, ये मोदी कुछ ना करता है, अब की बार तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। सच कहूं तो मुझे रहा उससे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, आप मोदी जी से क्या चाहते हैं जो आपको मिला नहीं। साहब मेरे सवाल का अचकचा गए, अचकचा कर मतलब समझे, अचकचा का मतलब होता है असहज होना। साहब चुप हो गए। फिर मैंने कहा, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल योजना, ज्योतिर्ग्राम योजना, GST, वन रैंक वन पेंशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान, एक दिन में 30 किलोमीटर हाईवे बनाना, दुनिया भर में भारत की धमक, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, और क्या चाहिए साहब। साहब कहने लगे, तब तो ठीक है लेकिन अपना काम धंधा तो चौपट हो गया। मैंने कहा, खुलकर कहो ना, अब दो नंबर के काम करने से डर लगता है, कैश ट्रांजेक्शन करने से डर लगता है, पारदर्शिता से डर लगता है, कहीं बेनामी संपत्ति खरीदने में डर लगता है, बैंक ट्रांजेक्शन ज्यादा हुआ तो इनकम टैक्स से डर लगता है, पैसा कमाओ करोड़ों में और टैक्स भरो सैकड़ों में। साहब चुप रह गए। साहब के साथ बैठे लड़के ने कहा, भैया इतना सब तो ठीक है लेकिन मोदी बेकार आदमी है, कहता करता रहता कुछ नहीं, बस फेंकता रहता है। मैंने लड़के से कहा, अच्छा एक खास बात बताओ, 12 रुपए में 2 लाख का दुर्घटना बीमा, मात्र 330 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा हो रहा है। लड़का चुप। मैंने कहा, घर में शौचालय बनवाया उसका उपयोग करते हो। लड़का चुप। आयुष्मान योजना के बारे में सुना है, बार बार गंदगी हटाने को कहता है, गंदगी में कौन बीमार पड़ता था, कभी किसी और मंत्री संतरी और 60 साल के शौचालय व गंदगी हटाने की बात की। आज तक सभी सरकारें आबादी को रोती रहीं व माल बनाते रह गई, पर मोदी ने कभी आबादी से ज्यादा कहकर कोसा है, बल्कि कहता है कि 125 करोड़ जोड़ी हाथों की शक्ति है। आज तक सब सरकारों ने भीख पर ही पाला है, वह गरीबों को वोट बैंक समझा, पहली बार किसी ने कहा सरकारी नौकरियों पर निर्भर मत हो, खुद रोजगार करो, दूसरों को भी रोजगार दो। अब तो 50 करोड़ लोगों को अब मुफ्त 5 लाख तक का बीमा करने की योजना भी लाई गई है। गरीब और औरतों को चूल्हे में आजादी दिलवाई गई है, लाखों घरों में बिजली पहुंचाई गई है, 300 वाला LED बल्ब अब अचानक सरकार ने उसे 50 रुपए का लेकर आई है। सोचा है कभी ऐसा हुआ था, 150 वाली दाल अब 55 रुपए में मिल रही है। फौज अचानक कैसे इतनी ताकतवर हो गई है कि चीन भी पीछे हट गया है।
अचानक इतने उग्रवादियों को कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है, हुर्रियत नेताओं के फंड कैसे बंद हो गए हैं, कैसे उनकी संपत्ति जब्त होना शुरू हो गई है, कैसे देश की इज्जत अचानक दुनिया में बढ़ गई है, लड़का चुप। कुल मिलाकर साहब उन और उनके लड़के जैसे लोग कीचड़ में रहने के आदि हैं। अखिलेश की गुंडा सरकार, मायावती की जातवाद की सरकार, ममता की जिहादी सरकार, लालू की भ्रष्टाचारी सरकार, इससे सब बढ़कर कांग्रेस हिंदू विरोधी सरकार में रहने की आदत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है आपकी। सरकारी कर्मचारी इसलिए नाखुश है कि वह अब ड्यूटी कर काम करना पड़ रहा है। पैसे वाले इसलिए नाराज हैं कि ट्रांसपेरेंसी चलते ब्लैक मनी संभालना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास इसलिए नाराज है कि इतनी जल्दी सब काम क्यों हो रहा है। गरीब इसलिए नाराज है कि सब जब नाराज हैं तो भैया हम क्यों नाराज ना हो, इसलिए गरीब नाराज है। उसे अगर वोट ही लेना होता तो कभी नोटबंदी नहीं करता, कभी जीएसटी नहीं लगाता। यहाँ बात हो रही है मोदी की, यहाँ मोदी के बारे में कह रहा है कि अगर मोदी को वोट लेना होता है तो कभी नोटबंदी नहीं करते, कभी जीएसटी नहीं लगाते। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के सामने भी आया था कि आप नोटबंदी कर दो। इंदिरा गांधी कब की हैं, 70s की हैं, और इंदिरा गांधी ने नोटबंदी नहीं किया था, देश के खिलाफ धोखा किया था। क्यों? क्योंकि सत्ता में रहने की चाह रही थी, लेकिन मोदी को सत्ता में रहने की चाह नहीं थी। मोदी ने सीधे कड़क फैसले लिए, देश को आज जहां पहुंचाया है वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी के फैसले हैं, कड़े फैसले जो देश को आज यहाँ इस राह पे पहुँचाए हैं कि विश्व में मोदी की जय जयकार हो रही है, विश्व में भारत माता की जय जयकार हो रही है। भारत विश्व पटल पे अपना एक अलग पहचान बना चुका है। कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसके कर्ता धर्ता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप चमचे कहते हो कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो पिक्चर भी पूरी बाकी है। अगर उसे वोट लेना होता मोदी को तो वो सब्सिडी खत्म नहीं करता, लेकिन उसके दिलों में और घुटने में का ऑपरेशन के लिए ढाई लाख से 50,000 करके डॉक्टर को नाराज नहीं करता। उसने 800 दवाओं के दाम कम करके मेडिकल वालों को नाराज नहीं करता। उसने 1% टैक्स लगाकर स्वर्णकारों को नाराज नहीं करता। उसने होटल वालों को सर्विस चार्ज पर हथौड़ा चला के ग्राहकों के हित करने वाले होटल वालों पर पंगा नहीं लेता। उसने 500 या 1,000 की नोट बंद करके अपने परंपरागत वोट बैंक को नाराज नहीं करता। कैशलेस को बढ़ावा देकर टैक्स चोरों को रास्ते का रोड़ा नहीं बनाता। रेरा जैसा कानून लाकर बिल्डरों को नाराज नहीं करता। बेनामी संपत्ति पर कानून पारित करके जमीन के कालाबाजारी बेरोजगारियों को बेनकाब कर नहीं करता। स्पेक्ट्रम कोयला आदि का भ्रष्टाचार दूर करने के देश के लाखों करोड़ों को फायदा देने वाले बड़े उद्योगपतियों को पंगा नहीं लेता। गैस सब्सिडी, मनरेगा आदि का पैसा सीधे बैंक खाते में जमा के कारण सभी बिचौलियों की दुकानें बंद कराने का भी पंगा नहीं लेता। यूरिया की नीम कोटिंग करने के से केमिकल फैक्ट्रियों का गोरख धंधा चौपट कर दिया है। 224,000 चोर कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया और लाखों कंपनियों की पहचान की। लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने के नए नए तरीकों का आगाज कर रहा है। सभी सरकारी कामों में टेक्नोलॉजी के कारण गति लाने के प्रयास के कारण दलालों की स्पीड मनी बंद कर रहा है और ना जाने कितने को वो रोज नाराज कर रहा है। हो सकता है आप भी किसी कदम से नाराज चल रहे हों और आपका भी कुछ नुकसान हुआ हो। वो असल में पागल बन गया है क्या? वो चाहता तो आराम से किसी का दिल दुखाए बिना राज कर सकता था। वह रोज हर नए कदम उठाकर देश को क्षेत्र में बुराइयों को दूर करने के रात दिन मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे कुर्सी का प्रेम नहीं है, उसे सिर्फ अपने देश और 125 करोड़ देशवासियों का प्रेम है। वो अपने देश की दुनिया में सबसे समृद्ध बनना चाहता है, हर बुराई को खत्म करना चाहता है, वो भी इस जनरेशन में। अब भले ही आप उसे वोट ना दें, हो सकता है उसकी कुर्सी 2019 में चली जाए, लेकिन यह तो सपना ही है, लेकिन फिर भी इस सोशल मीडिया में लिखा हुआ मैसेज है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसे उसकी चिंता नहीं है। आज उसका यह सब समर्थक मजाक उड़ा रहे हैं।
वो वास्तव में खुद का और खुद की भावी पीढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। देश बेचकर अपनी जेब भरने वाले चंद दोगलों नेताओं, टीवी चैनल और ब्यूरोक्रेसियों की बातों में आकर उसका साथ छोड़ा तो खुद मजाक बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह आपकी बात हो रही है, आप वोटरों की बात हो रही है। इस स्थिति में सभी खूनी भेड़िए उसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं, लेकिन देश के लिए उसने हमारे साथ की जरूरत है। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी ज़रूरत हैं, इससे भी ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत है। आपने अगर उसे हटा दिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो हिमालय चला जाएगा, लेकिन अगली नस्लें हमें सैकड़ों सालों तक कोसती रहेंगी। जागो देशवासियों, हमें अपने प्रधानमंत्री के साथ हर हाल में देना ही होगा, हमें उसकी आवाज़ बनना ही होगा, और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बाकी आपको अच्छा लगे तो, लेकिन यह बार जरूर सोचिएगा कि आखिर वह यह सब काम किसके लिए कर रहा है, हमारे लिए, आपके लिए या किसके लिए। प्लीज़ मोदी जी में फेथ रखिए। उसका अपना घर भरना होता तो 13 साल गुजरात का सीएम रहकर भी भर लेता, लेकिन उसको कुर्सी का प्रेम नहीं है, सिर्फ अपने देश से प्रेम है। आप मोदी से उसकी कुर्सी छीन सकते हैं, लेकिन वह संकल्प हो महान संकल्प नहीं छीन सकते जो भारत को महान बनाने के लिए हुआ है। मुझे गर्व है अपने प्रधान सेवक पे। ये सोशल मीडिया का मैसेज था, यह सोशल मीडिया का मैसेज अपने आप में एक कहानी कहता है, प्रधानमंत्री की गाथा कहता है, प्रधानमंत्री की वीर गाथा कहता है, उनके लिए गए फैसलों की वीर गाथा कहता है। साहब, अगर आज वोटर नहीं जागा तो देश 2019 और आने वाले जो एक दो डिकेड हैं, दशक हैं, उसमें देश के जो हालात होंगे वह हमारे और आपके बचाने से नहीं बचेंगे, क्योंकि देश को कड़े फैसलों की ज़रूरत थी, जो मोदी ने कड़े फैसले लिए। मोदी को सत्ता का लोभ नहीं था, मोदी किसी प्रकार का अपने परिवार को या अपने परिवार वालों के किसी प्रकार की राजनीति में या किसी प्रकार का पर्सनल लाभ नहीं दिया है मोदी ने। तो आज मोदी को गलत कहने वालों को यह वीडियो करारा तमाचा है। हमारा आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आज यह वीडियो अगर शेयर नहीं होगी तो देश में क्रांति नहीं आएगी। हम ऐसी क्रांति चाहते हैं जहां हर देशभक्त, सच्चा देशभक्त सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करे। और हाँ, एक अनुरोध करेंगे, एक हमारा पेटीएम नंबर आपको यहां नजर आ रहा होगा, इस पेटीएम नंबर पे अगर आप सहयोग राशि भेजना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9161750097 पे जो ये नंबर है, यहां पे आप पेटीएम करके हमें भेज सकते हैं। और अगर आप हमें कुछ सहायता करते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। अगर आप सिर्फ हमारी वीडियो देखते रहें तो भी हम आपके आभारी रहें, इसके लिए नहीं है कि आप मजबूर करते हैं कि आप कुछ सहयोग दें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह का आजकल षड्यंत्र चल रहा, उस षड्यंत्र में आप भागीदार न बने, लोगों को एक्सपोज करें। आज और कल तक हम एक वीडियो अपलोड करेंगे नेहरू जी के जो साजिश थी, नेहरू की साजिश जो पटेल के खिलाफ साजिश की थी, पूरी कच्चा चिट्ठा लेके आऊँगा। आपको फिर पता चलेगा कि ये राहुल गांधी खानदान ने कितना बड़ा साजिश की थी देश के खिलाफ, और जिसको बापू कहते हैं साहब, बापू की भी कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। आज यह देश चुप नहीं बैठेगा। कैसे नेहरू को बना दिया गया प्रधानमंत्री, पटेल के साथ किया गया धोखा, पूरी वीडियो एक से करके लेके आऊँगा। और आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, यह वीडियो आज या कल तक हमारे चैनल पर पब्लिश हो जाएगी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में एक बेल आइकन प्रेस लगा होगा उसको प्रेस जरूर करें, जिससे वीडियो जैसे ही वह पब्लिश हो उस वीडियो को आप सभी जरूर देखें। चलिए, ऐसे के साथ वीडियो को खत्म करें। आपसे अनुरोध, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी खबरें आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।